नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल मुजफ्फरपुर में केस दर्ज कराया गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले को विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ उनके फैंस ने बॉलीवुड के कई अभिनेता और निर्माताओं के खिलाफ नारेबाजी की है, नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में सलमान खान सहित फिल्म जगत के निर्माता निर्देशक समेत 8 बड़ी हस्तियों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा। बिहार के उभरते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबर जिस तरीके से अखबार के विचलन में आया है, उससे सुसाइड नहीं हत्या का श्रेणी में आता है। मैंने माननीय सीजम मुजफ्फरपुर की अदालत में करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नडियाडवाला, सलमान खान, एकता कपूर समेत कुल 8 के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 109, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। और माननीय न्यायालय में जो आरोप लगाया है उसमें मैंने बताया है कि जिस तरीके से 7-7 फिल्म से उसको हटाया गया, जो फिल्म का निर्माण हो चुका था उसको रिलीज पर रोक लगाया गया, और जिस तरीके से इन लोगों द्वारा बायकाट किया गया, एक साजिश के तहत दबाव बनाया गया, उसी का यह नतीजा है कि इस तरह के कुकृत इन लोगों द्वारा की गई है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 3 जुलाई की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की। क्या धाराएं लगाई हैं इसमें? धारा आईपीसी के 306, 109, 504, 506 के तहत दर्ज कराया गया। तो आपने सुन लिया, कुल 8 बड़ी हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इनमें करण जौहर हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, सलमान खान हैं, संजय लीला भंसाली हैं, एकता कपूर समेत और भी हस्तियां इसमें शामिल हैं, जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड की इन हस्तियों द्वारा साजिश कर हत्या का आरोप लगाया गया है। ये परिवार अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है। वहीं उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से अखबारों और टीवी चैनलों में उनकी आत्महत्या की खबर आ रही है, ये सुसाइड नहीं हत्या है। इस परिवार में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामले में अगली सुनवाई की जो डेट है वो 3 जुलाई को मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर सीबीआई जांच की मांग पहले से ही उठ रही थी और अब ये परिवाद दायर कराया गया है मुजफ्फरपुर कोर्ट में। देखने वाली बात होगी कि 3 जुलाई को क्या कुछ होता है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद। सी सी टेलीविजन।